गुड मॉर्निंग ऑल माई डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर बी वेल एंड नाउ लेट आई होप यू ऑल आर बी वेल स्टे होम स्टे सेफ एंड नाउ डू द स्टडी अबाउट लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. फर्स्ट वी आर रिवाइजिंग दिस चैप्टर द हाउस एट द बैक. वेन वी दिस स्टोरी इज बिलोंग टू ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. दीज आर द पिक्चर्स ऑफ द घोस्ट फ्रॉम द बुक अ क्रिसमस कैरोल. ये जो पिक्चर्स हैं ये क्रिसमस कैरोल बुक में से ली गई हैं, जो कि कैंटरविलर घोस्ट. कैंटरविलर घोस्ट इज़ ए नावल. आर दे सिमिलर? ये क्या लगभग एक सी हैं या नहीं? शेयर योर फेवरेट घोस्ट स्टोरी वैन यू आर इन क्लास. वैन वी रन आउट द एसेंशियल प्रोविजन एट होम एंड नीड समथिंग अर्जेंटली, हु डू वी फर्स्ट रिटर्न टू? हमारे पास सबसे पहले अपनी हेल्प हमारी हेल्प के लिए कौन आता है? आर नेबर्स ऑफन कम टू आर रेस्क्यू. वैन वी आर स्टक इन रिस्की एंड ट्रिकी सिचुएशन एट होम. वैन वी पजल. वैन वी फेल डाउन इन ए प्रॉब्लम एंड वैन वी कॉट बाय ए प्रॉब्लम एट होम. द फर्स्टली आर नेबर कैम टू अस आर रेस्क्यू आर टू हेल्प. हमारे बचाव के लिए जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं. रीड दिस स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट हैपन्स. ये स्टोरी पढ़ें और देखें क्या होता है. व्हेन टू गर्ल्स आर अलोन इन एन अनफैमिलियर हाउस. जब दो गर्ल्स अलोन होती है एक अनफैमिलियर स्ट्रेंज न्यू हाउस में एंड द लाइट सडनली गो आउट. और अचानक से लाइट चली जाती है. डज देयर नेबर हेल्प देम? क्या उनके पड़ोसी ने उनकी हेल्प की? सी देखते हैं. लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. Indu, Pa and I are going to market for some provision. Indu, I and your father is going to the market to purchase some kitchen's related things like food and drink. Both of you unpack your stuff. Both of you open your luggage, unpack your suitcase, called out Mrs. Sharma. Mrs. Sharma कहती है to her two girls, अपनी दो बेटियों से, two girls से. First, Indu and second was Vandana. Indu and Vandana. The Sharma family had come to Nainital for a month's stay. Sharma family जो है had reached to Nainital for stay month. एक महीना रुकने के लिए वो यहाँ आई है. Mr. Roberts, an old friend of Sharma, had given them to the use of his ancestral home in the hill station. The Sharma family के जो family friend है Mr. Roberts, an old friend of Mr. Sharma, had provided them to stay. Live of his office. So then Mr. Sharma, who came to stay in Nainital for a month, unki jo family friend hai Mr. Robert, an old friend of Mr. Sharma, had given them to stay to live of his old ancestral house. उन्होंने अपना पुराना पेरेंटल हाउस उन्हें दिया है रहने के लिए इन दिस ब्यूटीफुल हिल स्टेशन नैनीताल. कम बंधु हेल्प मी सॉर्ट आउट द क्लोथ्स. कम बंधु हेल्प मी सॉर्ट आउट द क्लोथ्स कॉल्ड इंदु. इंदु वंदना को कहती है लेट कम एंड लेट अस पुट आउट द क्लोथ्स. आओ हम क्लोथ्स बाहर निकालते हैं. हेल्प मी एंड शी वॉज ओपनिंग अ लार्ज सूटकेस. वो एक लार्ज बड़ा सा सूटकेस खोलती है. कांट यू वेट? आई स्टिल हैवंट फिनिश एक्सप्लोरिंग द हाउस सेट वंदना. एंड वंदना रिप्लाई टू वंदु यू कांट वेट. क्या तुम एंड वंदना इंदु को रिप्लाई करती है कांट यू वेट. क्या तुम वेट नहीं कर सकते? आई डिडेंट फिनिश्ड विजिटिंग द न्यू हाउस. मैंने अभी तक पूरा सा ये घर नहीं देखा है. शी वॉज टेकिंग द विजिट ऑफ द न्यू हाउस. शी वॉज एक्सप्लोरिंग समथिंग. वो खोज कर रही है देख रही है. शी इज़ डूइंग इंस्पेक्शन एंड शी फ्लॉपिंग डाउन रिलक्टेंटली बिसाइड्स हर सिस्टर. शी कैम डाउन अनविलिंगली एंड नियर बाय हर सिस्टर. वो शी कैम डाउन वो नीचे आती है. वो शी फ्लैपिंग डाउन बैठती है एंड unwillingly, reluctantly means unwillingly, near by her sister. Unpack can surely wait till tomorrow. क्या ये अनपैकिंग कल तक के लिए नहीं हो सकती? कल तक रुक नहीं सकती? कल तक हमारा unsurely can surely wait till tomorrow. Unpacking जो लकेज ओपन करना है तो हमें इसे कल कर सकते हैं. Can we do this work tomorrow? Indu ignored her question. Her elder sister Indu ignored her question. उसे ignore कर देती है. She was the elder of two at 14 and Vanna was 12. Indu was the elder sister, both of them. Un dono mein se Indu badi sister thi and Vanna jo thi wo younger sister thi. Hey, I forgot to tell you. There is an abandoned house with vines growing
all over it behind us. There is an abandoned house, there is an old house that is completely not used from a long time. बेकार पड़ा हुआ एक घर है जिसे बहुत समय से किसी ने यूज़ नहीं किया. विद वाइन्स ग्रोइंग ऑल ओवर इट एंड लगभग वाइन्स ग्रोइंग वाइन्स अंगूर की बेल प्लांट ऑफ ग्रेप्स द प्लांट्स ऑफ ग्रेन ग्रोइंग ऑल ओवर इट लगभग इसके ऊपर जो वाइन्स प्लांट है प्लांट्स ऑफ ग्रेप्स प्लांट्स है वो फैले हुए हैं एंड इट इज़ जस्ट बिहाइंड आवर हाउस ये जस्ट इस घर के पीछे है. वुड इट बी लवली इफ सम एडवेंचर्स कम्स आवर वे हाउ मच इंटरेस्टिंग इफ सम एडवेंचर्स कम आवर वे अगर कुछ एडवेंचर्स हमारे संग होते हैं तो कितना मज़ा आएगा. वंदा सैड ड्रीमीली वंदा ने एक बिल्कुल बेबाक अंदाज में कहा बिल्कुल ड्रीमी स्टाइल में कहा. एन एविड रीडर ऑफ एनिड ब्राइटन मिस्ट्रीज शी वॉज ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर एडवेंचर्स. एन एविड रीडर वो एक बहुत ज़्यादा रेगुलर रीडर थी एक एक्साइटेड थी वो. एन एविड रीडर वो जनरली एनिड ब्राइटन को पढ़ती थी ब्राइटन को आइटन मिस्ट्रीज को पढ़ा करती थी. एंड शी वॉज ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर एडवेंचर्स एंड जनरली शी वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर द एडवेंचर्स एंड क्रेजी. इंदू द सेंसिबल वन डिड नॉट रिप्लाई एज शी हंग देयर क्लोथ्स इन द ओल्ड फैशन वार्डरोब. इंदू हु वॉज वेरी सेंसिबल टाइप ऑफ गर्ल शी डिडंट रिप्लाई टू हैंग हिज क्लोथ्स इज ओल्ड फैशन वार्डरोब हु वॉज हैंगिंग हर क्लोथ इन द old type of almira. Suddenly the power went out. अचानक से जो है light went out. The power went out. Light चली जाती है. The girls looked out for the of the window and saw that the entire town was plunged into the darkness. The girls looked out. They both girls watch out from the window and saw अब देखती हैं that the entire town, complete city was sank into the darkness. Plunged, sank into the darkness. पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है. Do you know where the candles would be? Asked Vanna. Vanna कहती है कि आप जानती हैं candles कहाँ होंगी? Of course not. We have just arrived here. Vanna asked to her elder sister Indu, Do you know about the candles? Is that? Then the Indu replied, No, of course not. We just arrived here. Remember, तुम्हें पता है हम अभी आए हैं. We are new here, so I don't know. Come, let us look in the kitchen. आओ kitchen में देखते हैं. The large kernel house. स्पेलिंग कर्नल की कॉलोनियल लिखी जाती है एंड इट इज प्रोनाउंस्ड कर्नल. द लार्ज कर्नल हाउस वॉज एरली ईयरली साइलेंट एज टू गर्ल्स ग्रॉप देयर वे टू द किचन एट द बैक. द लार्ज इट दिस हाउस रिलेटेड टू द कर्नल ये कर्नल का घर था. द लार्ज कर्नल हाउस वॉज ईयरली वेरी स्ट्रेंच इज अ वेरी जिसे हम कहें फ्राइटन टाइप ऑफ बिल्कुल स्ट्रेंज हाउस था. साइलेंस थी बिल्कुल कोई शोर नहीं था. एंड द टू गर्ल्स ग्रोप देयर वे ग्रोप देयर वे जिसे दे डोंट हैव एनी प्रॉपर वे देयर हैंड सर्चिंग द वे टू द किचन एट द बैक. वो किसी तरह से हाथों के सहारे से रास्ता ढूंढते हुए किचन तक जाती हैं वे टू द किचन एट द बैक किचन के पीछे जाती हैं. वरना नॉक्ड ओवर ए बॉक्स इन द पैसेज एंड बोथ द गर्ल्स जंप्ड. वन्ना जो है एक बॉक्स पे वन्ना नॉक्ड ओवर द बॉक्स इन द पैसेज पैसेज पे एक बॉक्स लगाती हैं. बोथ द गर्ल्स जंप्ड और बोथ गर्ल्स जो हैं वो उस पर चढ़ के कूदती हैं. इट इज श्योर इट इज स्पूकी इन हेयर कुछ तो फ्राइटिन है कुछ तो फ्राइट इट इज इट श्योर इज स्पूकी इज हेयर समथिंग स्ट्रेंज हेयर सेट वन्ना एंड शट अप एंड सर्च ऑर्डर इंदू. इंदू कहती है शट योर माउथ एंड सर्च. सून हर सिस्टर वुड बी सीइंग अपारिशंस अपारिशंस घोस्ट शी थॉट वो सोचती है अर्लियर शी विल फाइंड ए घोस्ट कि उसकी जो सिस्टर है जल्दी एक भूत को देखेगी. सून हर सिस्टर वुड बी सीइंग घोस्ट अपारिशंस हेयर घोस्ट उसे लगा जैसे उसकी सिस्टर ने यहाँ पे घोस्ट देखा हो. एक्चुअली इंदू हरसेल्फ वाज फीलिंग ए लिटिल नर्वस इंदू खुद भी बहुत ज़्यादा अफ्रेड थी एंड नर्वस थी. लिसन समवन इज सिंगिंग देखो कोई गा रहा है एक्सक्लेम वन्ना वन्ना चिल्लाती है. एंड फॉर वन शी वाज नॉट इमेजिनिंग थिंग्स एंड इसलिए शी वाज नॉट इमेजिनिंग थिंग्स जैसा
देखो समवन इज सिंगिंग हियर, एक्सक्लेम वरना वरना चिल्लाती है, फॉर वन शी वॉज नॉट इमेजिनिंग थिंग, ये वो चीज़ थी जिससे उसने इमेजिन नहीं किया है। ए लैम्प फ्लिकर्ड, फ्लिकर्ड यानी बार बार ऑन ऑफ होना या टिमटिमाना। लैम्प जो है बार बार में ऑन ऑफ हो रहा है एंड फ्लिकर्ड टिमटिमा रहा है। वन ऑफ द विंडोज इन द हाउस एट द बैक, जो विंडो हमारे घर के जस्ट पीछे है। देयर इज समथिंग लिविंग इन दैट हाउस, कुछ तो चल रहा है इस घर में, इंदु एक्सक्लेम्ड, इंदु चिल्लाती है। परहैप्स वी कुड गो ओवर, क्या हम, परहैप्स वी कुड गो ओवर टू द हाउस, क्या हम वहाँ जा सकते हैं उस घर में, एंड बोरो सम कैंडल्स, शी म्यूज्ड, वो कहती है क्या हम कुछ कैंडल्स ले सकते हैं, दैट्स अ गुड आइडिया, ये बहुत अच्छा रहेगा हर सिस्टर, रिप्लाइड उसके सिस्टर कहती है। थैंक यू ऑल।